हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमने निफ्टी में पोजीशन बनाई है समवेयर अराउंड यहाँ पे एक मुझे एक बहुत ही बुलिश मोमेंटम मोमेंटम की वो है एक कि यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है बुलिश। और मेरा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ 3 लॉट में कुछ अपनी मैंने एक एंट्री बनाई है, जिसमें अभी फ़िलहाल तो अभी लॉस ही चल रहा है, बट नो वरीज, इसको मेरा कुछ 7-8 पॉइंट का लॉस रहेगा। समवेयर अराउंड 32 के नीचे मैं इसमें निकल जाऊँगा, कुछ 1500-1600 का मेरा लॉस रहेगा। और टारगेट उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हो कितने थोड़े हाई रहेंगे मेरे, तो देखते हैं आज हमारा ये टारगेट हिट होता है कि नहीं। मैं इसमें कोशिश करूँगा कि यहाँ तक बना रहूँ। दोस्तों देखते देख सकते हो आप, करेंटली हमारी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग में आ चुकी है। अभी कुछ 400-500 का हमारा लॉस चल रहा था, अब 400-500 का कुछ हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं हम कितना मैक्सिमम पॉइंट निकाल सकते हैं। इसको हम लेके जाएंगे समवेयर अराउंड, मैंने ये टारगेट कुछ यहाँ पे 450 के 19,450 तक आई गेस निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ के आसपास देखूँगा, अगर मेरा रेजिस्टेंस कुछ मुझे कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो मैं निकल जाऊँगा। अगर नहीं निकलेगा, नहीं मिलेगा रेजिस्टेंस को, अगर ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा इसको, तो मैं समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे इसको निकलने की कोशिश करूँगा। अभी देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड टाइप है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास हो गए होंगे, पर हमारा ट्रेड वहीं का वहीं है। लॉस प्रॉफिट यही चल रहा है। एक सर्टन ब्रेकआउट सा कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा वाइड डेटा पुट की तरफ बिल्डअप हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग रैली आ सकती है। तो हम उसी साइड बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने सर्टन लेवल आने के लिए। दोस्तों मैंने अपने पोजीशन से एग्जिट ले लिया है, मुझे कुछ 1500 रुपये का लॉस हुआ है, जिसमें ब्रोकरेज डाल के कुछ 1620-30 रुपये का कुछ मुझे लॉस टोटल हुआ आज के दिन में। मैंने सुबह 10:30 के आसपास ये पोजीशन ली थी और 2 बजे पोजीशन काट दी, 10:38 पर ली थी। चलो अब चार्ट पे देखते हैं इसका रीज़न कहते हैं। यहाँ कहीं ये पोजीशन मैंने ली थी, तो मुझे एक अपसाइड का मूव दिख रहा था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहीं पे एक पोजीशन बना ली। तो मेरे पोजीशन लेने के बाद ये कुछ मुझे 500-600 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा रहा था, ये जब इस रैली के अकॉर्डिंग। फिर देन इसके बाद ये नीचे आता गया आता गया आता गया, तो मेरा कुछ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। मैंने आज 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रखा था, जनरली मैं 5 पॉइंट का ही लेता हूँ, पर आज मैंने 10 पॉइंट का इसलिए ले रखा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एज पर OI डेटा जो मैं देख रहा था उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक आराम से निकल जाता, बट समहाउ मार्केट कैन चेंज एनी टाइम। तो आप देख सकते हो रेस्ट आर दी स्टॉक्स आर ऑल्सो इन रेड, तो निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिला नहीं तो ये थोड़ा सा अब जाता तो हमारे टारगेट हिट हो जाते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लॉस लॉस मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड लिया हुआ था, सो दैट मुझे मेरा कैपिटल भी सेफ रहे। ये कुछ लॉस मेरे प्रॉफिट में से हैं, जो मेरे को कुछ प्रॉफिट हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लॉस लिया था ट्रेडिंग सेशन में। टिल देन बाय, ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।